बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्यू ए जेड एसोसिएट से मैं हूँ कमर शहजाद। हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशहूर हूँ अपने तमाम अहबाब तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ और वक्ता फ़वक्ता उन तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता भी है और वो उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। आज हम एक ऐसी सोसाइटी का जिक्र करने जा रहे हैं जैसा कि आजकल हर सोसाइटी जो है वो माइनस में है, वो सोसाइटी भी माइनस में है, लेकिन वो सोसाइटी क्यों फ्यूचर में ज़्यादा कामयाब होगी। बात करते हैं सिल्वर सिटी का। सिल्वर सिटी इस वक्त जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे सोसाइटीज़ आई हैं वो सबसे करीब उसकी लोकेशन बनती है कि ठलिया इंटरचेंज से हार्डली आपका अभी गिरजा रोड पे 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसका जो 5 मरले का प्लाट था वो सिर्फ 20 लाख रुपए का था। और इससे भी पहले उसने तमाम इदारों से एनओसी भी ले लिया। ये तकरीबन कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद ये वो वाहिद सोसाइटी है जिसने जितनी इंस्टॉलमेंट पे सोसाइटीज आई हैं आरडीए से सबसे पहले उसने एनओसी लिया। तो बात कर रहा था जी ठलिया इंटरचेंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इन फ्यूचर जिस तरह अभी सरदार अयाज साहब की आपने वीडियो भी सुनी होगी कि हम एक रोड निकाल रहे हैं जो हमारा सिल्वर एवेन्यू होगा। आपको गिरजा रोड पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिंपल सिल्वर एवेन्यू से डायरेक्ट आप सिल्वर सिटी की साइड पे चले जाएंगे। एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी है। उसके बाद जो एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ होती हैं उनको बाद में मुश्किलात नहीं पेश आती, लाइक दैट आपको बिजली का इशू, आपका गैस का इशू, आपको जो भी गवर्नमेंट से चीज़ें लेनी होती है एनओसी वाली जो सोसाइटी है उनको मुश्किल नहीं आती। इसी तरह आपको पता है कि उनकी बिजली भी अप्रूव होगी, इलेक्ट्रिसिटी वालों ने उनको कहा है कि आप अपनी बिजली जी लगा सकते हैं, वो भी एक अप्रूव हो गया। उसके बाद उन्होंने बेल्टिंग अनाउंस कर दी कि हम जी बेल्टिंग भी इसकी करने जा रहे हैं। इसके बाद सिल्वर सिटी एक वाहिद सोसाइटी है जिसने अपनी ओपन फाइल्स नहीं दी थी। ओपन फाइल्स उसने इसलिए नहीं दी थी कि उनके पास ज़मीन उतनी थी, उतनी ही उन्होंने उसके प्लॉट दिए, लोगों को डिलीवर किया। और आज वो इस हैं कि इस स्टेज पे हैं कि वो एक तो बेल्टिंग करने जा रहे हैं और दूसरा उन्होंने बहुत से लोगों को पोजेशन भी अनाउंस कर दिया कि आप आए अपने प्लॉट का कब्जा लें और घर बनाएं, बिजली आपको मिलेगी, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, आप अपना घर बनाएं। तो ये वो वाइड सोसाइटी है जो इन फ्यूचर में भी आपके जिस तरह रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, आपका रिंग रोड से डायरेक्ट आपका सिल्वर सिटी चला जाएगा, रिंग रोड से भी एक्सेस हो जाएगी। और उसके बाद आपको पता है कि ये तकरीबन 5-6 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक हॉस्पिटल का भी अनाउंस किया है कि हम इस जगह पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई कामयाब सोसाइटी होगी सबसे ज़्यादा, अगर ये रास्ता बना लेते हैं तो वो सिल्वर सिटी होगी। तो सिल्वर सिटी में अगर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और आपको अच्छे से अच्छा उसमें प्रॉफिट भी मिलेगा। और जिन लोगों ने घर की नीयत से लिया हुआ है कि हम उधर घर बनाएंगे तो आप उधर घर भी बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर भी आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी सिल्वर सिटी के हवाले से किसी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, कोई आपकी क्यूरी हो तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस दूंगा। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।